हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू बॉलीवुड कलर इंस्टा लाइव। और मैं हूँ रूपाली, आपके साथ एक बार फिर आई हूँ लाइव। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं जिनको आप बहुत सारे सीरियल्स में देख चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ मयूर वर्मा की। तो आप लोग जल्दी हमारे साथ जुड़िए और मयूर से कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चंस रेडी रखिएगा, कुछ ही देर में हमारे साथ लाइव आने वाले हैं मयूर। अगर मैं मयूर की बात करूं तो मयूर बहुत सारे सीरियल्स में काम कर चुके हैं और रिसेंटली हमने मयूर को अभी मुझसे शादी करोगे शो में देखा था। और अब जैसा कि पता है कि फैंस ने और लोगों ने उनको काफी ज्यादा पसंद किया था, बहुत सारा प्यार मिला था उनको। तो आप क्या क्या पूछना चाहते हैं क्वेश्चंस रेडी रखिएगा मयूर के साथ। मयूर कुछ ही देर में बस हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, हाय आदर्श, ओके मयूर खुद ही बोल रहे हैं आ जाओ सब। यस मयूर, ऑल आर कमिंग, जल्दी आ रहे हैं सब और हम खूब सारा एंटरटेन करेंगे आपके फैंस को और खूब सारी मस्ती करने वाले हैं। और आपके बारे में हम जानेंगे भी कि आप क्या कुछ कर रहे हैं इस समय, लॉकडाउन है। हाय सीमा, हाय एवरीवन। यस, सुपर, बस कुछ ही देर में हमारे साथ मयूर आने वाले हैं। अच्छा, नो सिद्धार्थ क्वेश्चंस, ओके फाइन। अभी सब लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो एवरीवन, हाय मयूर, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, आप बताइए आप कैसे हैं, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छी हूँ। और सो कैसा चल रहा है व्हाट्सएप? लॉकडाउन है, क्या कुछ कर रहे हैं आप? लॉकडाउन है, घर के अंदर फिर लॉकडाउन हो चुके हैं। पहले घर के अंदर लॉकडाउन थे, अब अपने घर के अंदर लॉकडाउन हो गए हैं। अब घर में 21 दिन का लॉकडाउन था, आई थिंक सो 14 को कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं उसके बाद लॉकडाउन खुलता है या नहीं खुलता, देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत फैल चुका है बॉम्बे में। हॉस्पिटल भी सीज कर दिए गए हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है मुंबई के अंदर। तो और क्या कुछ करते हैं आप, लाइक क्या शेड्यूल है आपका? आप शुरुआत, सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं, कितने बजे उठते हैं? शेड्यूल ऐसा हो गया, जब से एमएसके के बाद आए हैं वहां भी हमने सब कुछ सीख लिया है, चाय बनाना, खाना बनाना, सफाई करना, झाड़ू लगाना। अच्छा, उससे पहले भी आता था आपको ये सब? नहीं, कम ज्यादा नहीं आता था, बस कर लेते थे जब जरूरत होती थी, ऐसे नहीं। जब घर से आए हैं तो उसके बाद काफी कुछ सीख लिया है। अब आराम से बैठे रहते हैं घर में, झाड़ू भी मारते हैं, पोछा भी मार लेते हैं, बर्तन भी साफ कर लो। खाना बनाने में तो मैं अब माहिर हो चुका हूँ, एक्सपर्ट हो गए। अच्छा, बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुका। तो अभी सबसे अच्छी, मतलब जिसे बोले डिश, कौन सी बना लेते हैं आप? कुछ भी दे दो, अब तो बना लेता हूँ। थोड़ी आड़ी टेढ़ी बनती है बट अच्छी बन जाती है। अच्छा, अगर हम बात करें, आप पंजाब से हैं, लुधियाना से? मैं लुधियाना से हूँ, पंजाब से। तो कितना मिस कर रहे हैं आप घर को इस समय? बिकॉज अभी तो घर अंदर ही है आप, तो अभी बॉम्बे में है या लुधियाना में? मुंबई में, मैं मुंबई में हूँ। जैसे ही मैं शो से आया था तो मैंने सोचा था एक दो दिन के अंदर मैं पंजाब जाऊंगा, तो बट उसके बाद सारा कोरोना इतना फैल चुका था जिस कारण मैं जा ही नहीं पाया, जाने का मौका ही नहीं मिला। फिर इसके बाद अपने घर के अंदर फिर लॉकडाउन होना पड़ गया, तो कोई नहीं, जैसे ही सब खत्म होगा उसके बाद तो हम करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें आपकी जर्नी की, तो आप स्कूल कॉलेज में भी पार्ट लेते थे एक्टिंग में या कुछ, या बचपन से था आपको शौक एक्टिंग का? क्या क्या कुछ था, नहीं कुछ बताइए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्कूल कॉलेज में तो यार मस्ती करते थे, गेम्स खेलते थे, बास्केटबॉल खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, वट एवर जो भी होता था। बट अब कभी मैंने लाइफ में सोचा नहीं था कि ये फील्ड के अंदर आऊंगा। और जब अच्छा। मैं 19-20 साल का था, जब मैं अपने कारोबार संभालता था, तब वैसी एक कीड़ा जगा कि यार मुझे ना बॉम्बे जाना चाहिए। सारे मुझे बोलते हैं कि बॉम्बे जा यार, हीरो बन जा। मैं कहा मैं कहाँ पे बनूंगा, नहीं यार मैं कहाँ पे। फिर लोगों ने इतना पंप किया 3-4 महीने, तो फिर मैंने 2-3 महीने का एक्टिंग कोर्स किया, फिर उसके कट टू मैं बॉम्बे। आपने बहुत सारे शोज भी किए हैं शुरू में, मूवीज भी किए हैं? यार मेरी मूवी तो अभी 4 महीने पहले आई थी, जिंदगी तुमसे, और अभी मेरी एक दूसरी मूवी भी आने वाली है जो कि 3-4 महीने में रिलीज हो जाएगी। कोरोना के कारण आई थिंक सो डिले हुई है, तो ऐसा है। बाकी और कुछ नहीं है, बाकी बस इधर आ गए मुंबई में, फिर इसके अपना एक्टिंग करियर शुरू कर दिया और बस फिर चलता गया, एक शो एक के बाद दूसरा शो, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे का चौथा, बस चलती गई मंजिल। तो अभी आपने इतने सारे शोज किए, तो अभी ऐसा कुछ है जो यादगार मोमेंट रहा हो, मतलब आपको कोई शो में, या बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ी हो किसी शो में किसी कैरेक्टर के लिए? नहीं है, मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो काफी मेहनत लगी, क्योंकि मैं एक पंजाब से था और मेरा जो एक्सेंट था प्योर पंजाबी था। जब मैं ऑडिशन देने जाता था तो मेरे से ऑडिशन में पंजाबी बोली जाती थी, उसके बाद उनका फोन आता था कि यार आप हिंदी में बोल के जाइए।
फिर मेरे को पहले तो यहाँ पे 6-7 महीने हिंदी को रटना पड़ा, बुक्स पढ़नी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा, बहुत मेहनत लगी। फिर उसके बाद कट, तो फिर मैंने दोबारा ऑडिशन दी, और पहली कोइंसिडेंस गया कि जो मुझे पहली ब्रेक भी दी थी वो मुझे दी थी अंडमान ने, क्योंकि अच्छा उनके साथ मैंने रियलिटी शो किए थे 3 बार बैक टू बैक इमोशनल अत्याचार, तो उन्होंने मुझे ब्रेक दी थी। उधर उधर ही मेरा एक्टिंग का एक्सपीरियंस शुरू हुआ था, और जैसे शुरू हुआ फिर फिर आज वो भी अभी चलता ही गया। चलता ही गया। फिर अभी जो मैंने इससे पहले भी उनका शो किया था एंटी सोशल नेटवर्क, एंडमल का ही था वो भी, वायकॉम का था। फिर उसके बाद अभी जो MSK किया वो भी उन्हीं का शो था, और उससे भी मुझे एक नई पहचान मिली, बिल्कुल। और दुनिया ने मुझे बहुत ही प्यार दिया। ऐसा प्यार दिया कि मतलब कि रातों रात दुनिया, बस मैं तो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा तो अभी अगर MSK की बात करें तो है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका घर के अंदर? क्या कुछ यार चेंजेस आए आपको? मतलब पहले आपको कुछ ऐसा लगा कि मैं बाहर आके कुछ चेंजेस आए आपके अंदर? जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर हम जब शो जाने वाले थे थोड़ा डर था कि घर के अंदर जा रहे हैं, फोन बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, क्या होगा। 2-3 दिन हम मायूस भी थे, फिर उसके बाद जब घर समझ आ गया, सब कुछ समझ आना शुरू हो गया कि ऐसा होता है घर के अंदर, तो हम बैक टू फॉर्म में आ गए। फिर हमने गेम के अंदर पूरा पार्ट लेते थे, फिर उसके बाद घर के अंदर ही आपको खाना बनाया, चाय पी, चाय बनाना, सफाई करना, अपने बेड को सेट करना। फिर उसके बाद एक होता ना कि एक घर के अंदर जाके आपको पता लगता है कि अब कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते, तो वो बिल्कुल। चीजें अंदर बहुत सीखी, और हमने अब वो चीजें अब लॉकडाउन के अंदर सब काम आ रही है। अच्छा है कि इसके अंदर हमने सीख लिए, नहीं तो नहीं अभी काम ऐसा है। वाज योर फेवरेट? वहां पर कौन फेवरेट था आपका? और अभी सारे लोगों से आप बातचीत करते हैं जितने लोग थे घर में? देखिए पता क्या होता है, जहाँ पे मयूर वर्मा जाता है वहां पे सारी मेरे फेवरेट हो जाती है, बात तो ये है। आप चाहे जितनी भी लड़कियां ले लो सारी मेरी नहीं, फेवरेट फैंस है, को, फैंस का तो बहुत प्यार मिला है आपको शो के बाद, बहुत ज्यादा, सीरियसली। बहुत ज्यादा। मैं आप शॉक था, क्योंकि मेरा, मैं ये नहीं बोलता ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता, मेरी 2.5 लाख मेरे फॉलोअर है, तो 9 लाख तो रीच मिलता है मुझे, 9 लाख नहीं, 9 मिलियन, 9 मिलियन मुझे रीच मिलता है, 9 मिलियन मैंने स्टोरी में भी डाला था, 9 मिलियन कभी 12 मिलियन रीच आ रहा है। तो एक दैट्स खुशी वेरी गुड। खुशी मिलती है कि लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और काफी अच्छा मेरे को इतना प्यार मिल रहा है आपको, इतना क्योंकि प्यार मिलता है, तो बहुत अच्छा आपने लगता ना वहां शो में बहुत एंटरटेन किया था, एक्चुअली लोगों को बहुत मजा आया था। है। ये क्या, मैंने कभी ये सोच के नहीं किया कि मैंने अंदर जाके ये करना है या वो करना है, मेरे जो दिल में आता था मैं वो करता था। मैं ये नहीं सोचता था कि दुनिया क्या देख रही है, बस मैं ये देखता था कि मैं सही हूँ, तो मुझे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं बहुत मस्ती करता था, मैं सारा दिन, मैं और शहबाज सारा दिन कुछ ना कुछ हम लोगों ने करते रहना, कभी ये करना है, कभी मैं सो रहा होता था शहबाज मेरे पैर पे अटैची लगेज बांध देता था, फिर वो मैं जब उठता था वो मुझे खींचते थे। बहुत हम फन किया हमने घर के अंदर, हम लड़कियों के क्लिप डाल लेना, कभी साड़ी डाल लेना, कभी लिपस्टिक लगा लेना, कभी नेल पॉलिश लगा लेना, तो बहुत अच्छा लगा शो के अंदर ना जो बहुत मुझे। मिस करते हैं आप उसको। बिल्कुल हम मिस करते हैं, बिल्कुल मिस करते हैं, क्योंकि घर के अंदर जितने भी लड़के थे एक तरह के भाई बन चुके थे। एक क्या होता था कि हम सारे यही बोलते थे कि अगर हम गेम आएगा गेम के अंदर गेम की तरह खेलेंगे, उसके बाद कोई भी दिल में गिला शिकवा नहीं रहना चाहिए, अगर कुछ बिल्कुल रहा भी तो आपस में क्लियर कर लेना चाहिए। जैसे हाँ, कि बिकॉज होना भी ऐसे होना चाहिए, क्योंकि गेम है वो, गेम के बाहर फिर वो अलग चीजें हो क्योंकि जाती क्या हैं होता सर। है, क्योंकि क्या होता है, एक्शन और कट के बाद भी एक जिंदगी होती है ना, तो ये तो है नहीं कि आपने उसी के अंदर रहना, तो काफी हमारा मस्त रहते थे। मेरी बाउंडिंग बलराज से भी बहुत अच्छी थी लास्ट तक, उसके बाद बहुत अच्छी थी, और लास्ट में मैं ही और वो बचे थे, फिर इंदीप के साथ भी अच्छी थी, रोहन के साथ भी बहुत अच्छी थी, सारों के साथ मेरी बॉन्डिंग ना फैंटास्टिक थी, कभी ये नहीं हुआ कि यार गिला शिकवा है कोई, अगर लड़ाई होती भी थी तो हम आप ही क्लियर कर लेते थे। बिल्कुल। और अगर हम शहनाज की बात करें तो शहनाज कैसी लगी आपको? शहनाज बहुत ही अच्छी लड़की है, क्योंकि जब मैं बिग बॉस, मैंने इस बार पूरा सीजन देखा है बिग बॉस 13, जब शहनाज स्टेज पे आई थी, जब उन्होंने सलमान भाई के साथ जब आई थी, उसने जो, मैंने कहा ये पंजाब की लड़की है कि लास्ट तक जाएगी ये लड़की, क्योंकि ये जो भी कर रही थी ना शहनाज वो बहुत ओरिजिनल कर रही थी और जेन्युइन कर रही थी, कभी ऐसा लगे नहीं कि वो फेक लड़की है। फिर जब मैं भी उसको मिला घर के अंदर, तो यार वो क्या लड़की है, बिंदास लड़की है, मतलब कि सामने वाले को फ्री कर देती है कि आप इंजॉय करो, मस्ती करो, गेम के अंदर सपोर्ट करो, मतलब कि चुलबुली लड़की होती है ना जो पंजाब की, वैसी लड़की है। और कभी हमें उसने परेशान नहीं किया, हम बहुत खुश रहते थे, हम रात के 4-4 बजे तक सारे ग्रुप बना के बातें करते थे, मस्ती करते थे, फिर सुबह 7 बजे उठ जाते थे, फिर अगले दिन की मस्ती शुरू होती थी, फिर स्क्रोल आता था, माया बोलती थी स्क्रोल आ चुका है इसको पढ़िए, फिर वो स्क्रोल होता था, फिर और टेंशन क्रिएट होती थी कि अब गेम में क्या करना है,
फिर दिमाग चलने शुरू हो जाते, सारा दिन तो शो स्टडी। थोड़ा स्क्रिप्टेड था या कैसे, नो थोड़ा सा शो के बारे में? नो नो ओके स्क्रिप्टेड, नो स्क्रिप्टेड। एक बार घर के अंदर आप चले गए, उसके कोई भी अंदर नहीं आने वाला, बस एक व्हाट्सएप की आवाज आएगी, वहां पे जाके आपको वो ड्रॉर खोलना है, उसके अंदर स्क्रोल होता था, फिर जिसका नाम लिखा होता वो स्क्रोल को पढ़ेगा, सारे लोग बैठ जाएंगे, जैसे स्क्रोल खत्म होगा वो गेम रेडी होनी शुरू हो जाती है। कई बार उसको 5 घंटे लगते थे रेडी होने को, कई बार 8 घंटे लगते थे। तो ये बिल्कुल जेन्युइन है, कभी भी ये स्क्रिप्टेड नहीं है और ना ही वो था, जो है जेन्युइन। तो अभी जैसे आपने बिग बॉस 13 की बात की, तो आपको सबसे अच्छी जर्नी किसकी लगी बिग बॉस में? बिग बॉस में भी फ्रेंकली देखिए, सिद्धार्थ भाई बहुत अच्छा खेले थे, सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा खेला, शहनाज ने भी बहुत अच्छा खेला, और आसिम भी अच्छा था, आसिम ने भी अच्छा खेला, पारस ने भी अच्छा खेला। बट देखिए, जो शुरू से डे फर्स्ट से लेके लास्ट तक था, सिद्धार्थ ने बहुत ही अच्छा किया, और जैसे वो था उन्होंने अपना एटीट्यूड मेंटेन किया, और वो आज भी वैसे ही है, और शो के अंदर भी वैसे थे, और शहनाज ने भी वैसे ही किया। ये नहीं है कि लोग क्या करते हैं कि घर के अंदर जाते हैं, जैसे कि मैंने देखा है, घर में जाते हैं, घर में बहुत प्यार दिखाते हैं, बाहर आके फिर वो अलग दुनिया में आ जाते हैं। तो शहनाज और सिद्धार्थ तो नंबर वन है, वो जैसे थे घर के अंदर वैसे ही बाहर है, तो कभी ऐसा लगा ही नहीं है कि वो लोग फेक हैं, बहुत जेन्युइन लोग हैं, और बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अभी एक्चुअली क्या है ना, अभी बहुत सारी चीजें आ रही है, लाइक कुछ 2-3 वीडियोस आए थे जिसमें बताया, बोल रहे थे कि शहनाज थोड़ी सी अभी उनका नेचर चेंज हो गया है, थोड़ी घमंडी हो गई है, बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे थे, और जबकि शहनाज इज ट्रेंडिंग नंबर वन। पता क्या, तो मैं हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो आपको क्या लगता है, मतलब ये क्योंकि एक्चुअली क्या है, मुझे भी पता है कि ये फेक है सारी चीजें। पता क्या बात होती है, पहली बात ना, अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, दुनिया क्या चाहती है कि दुनिया को शहनाज फोन करके एंटरटेन करे, ठीक है, वो उनसे बात करे। पहली बात, अभी आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया में सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में चल रही है, तो लोग अपने घरों में है, लोग अपने घरों में है, शहनाज किसी को रिप्लाई ना करे या किसी को फोन ना करे, इससे कोई घमंडी नहीं बन जाता। और पहली बात, उसका गाना आया 10 दिन के अंदर, मेरे ख्याल से आज मैंने देखा 50 मिलियन पे रीच पे, और नंबर वन ट्रेंडिंग पे चल रहा है, नंबर वन ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो शहनाज आपने बिल्कुल, कितनी बार देखा गाना? मैं तो हमेशा जब भी लाइव आया हूँ शहबाज के साथ, हम वो गाने का जिक्र होता ही होता है, क्योंकि वो गाना वाकई में बहुत अच्छा, और वाकई में बहुत अच्छा है। उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही है, जैसे कि बिग बॉस के अंदर उनकी केमिस्ट्री दिख रही है, तो उससे ज्यादा अच्छी ये गाने के अंदर दिख रही है। गाने में दिख रही है, राइट। लग रहा है कि एक कपल है, जो वाकई में एक कपल दिखता है वैसा है। तो लोगों का तो काम है बोलना, आप उनका मुंह बंद नहीं करवा सकते, ये तो क्लियर है। आप अच्छा करोगे तब भी है, बुरा करोगे तब भी है, इंसान काम पे जाएगा। बिकॉज अभी क्योंकि रिसेंटली देवोलीना का भी आया था पूरा वीडियो के सिदनाज इज 0% और सारी चीजें, और फिर आपने भी बहुत सारी चीजें उस बोली थी, वीडियोस आए थे। तो अब कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब आपको क्या लगता है, दिस इज बिकॉज क्या हुआ ना, अगले दिन फिर देवोलीना का ये एक वीडियो आता है कि शी इज डूइंग अ सॉन्ग विद सिद्धार्थ, वो करना चाहती है सिद्धार्थ के साथ गाना, तो वो कुछ समझ में नहीं आया एक्चुअली। देखो पता क्या बात होती है, मेरे समझने से ना या ना समझने से कोई फर्क नहीं है। मैं पहली बात ये बोलना चाहूंगा, दुनिया, मैं जब एक लाइव में आया था, खबरी के साथ मैं लाइव में आया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने अपने डॉग के साथ कंपेयर किया। मैं उसी वक्त, मेरे को बहुत, मैं अपसेट हुआ, मेरे को बहुत बुरा लगा। जैसे ही मेरा लाइव खत्म हुआ, मैंने गूगल में जाके देखा उनके नाम से उन्होंने क्या क्या किया, तो उन्होंने बोला कि ये जो गाना है, सिद्धार्थ और शहनाज की केमिस्ट्री नहीं अच्छी लग रही है, सिद्धार्थ बड़ा लग रहा है और शहनाज छोटी लग रही है, 0% केमिस्ट्री है, मेरे घर का एंजल डॉग बहुत ही अच्छा लग रहा होगा उसके केमिस्ट्री के अंदर। तो मुझे गुस्सा चढ़ा, तो मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने बोला देवोलीना जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप सीनियर एक्टर हैं और आप एक्टर ऐसे हो के, और शहनाज आपकी दोस्त है, उसके बाद भी आप ये उनको कमेंट पास कर रहे हो, ये तो डिमोटिवेट हो गया। मुझे लगता आप एज ए एक्टर, आपको एक्टर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर आपको अच्छा लगे या नहीं लगा वो आप अपने मन में रखिए, अब दुनिया के सामने मत लाइए, क्योंकि एक एक्टर सामने वाला डिमोटिवेट हो जाता है ना कि आप मेरे लिए गलत बोल रहे हो। आप एक सीनियर बिल्कुल। एक्टर हो के आपके ऊपर अगर कोई बोले तो आपको कैसा लगेगा? तो मैंने एक वीडियो ऐसा बनाया और मैंने उनको, मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में डाल दिया। उसके बाद उनका रिप्लाई क्या आता है मुझे, ये घर में शादी करने गया था, इसकी शादी नहीं हुई है, ये बुंदल गया। बहुत उनका बहुत ही अलग सा जवाब है, जो समझने के मेरे को भी समझ नहीं आया उन्होंने ये क्यों लिखा। पहली बात यार, मैं आपको एक रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, मैं आपको देवोलीना जी बोल रहा हूँ, मैं आपको जी लगा के बात कर रहा हूँ, उसके बाद आप मुझे ऐसे बोल रहे हैं, तो बहुत ही गलत है। फिर वो क्या था, पहले शहनाज के ऊपर थे, ठीक है, फिर मेरे ऊपर आ गए, मयूर की शादी नहीं, फिर उसके थर्ड जब मैंने उनका स्टेटमेंट देखा,
उसके अंदर बोल रहे हैं कि अगर मुझे सिद्धार्थ के साथ गाना मिलेगा है तो मैं जरूर करूंगी। मतलब कि मजा ही आ गया, ये बात सुन के तो मजा आ गया। मतलब कि आपने सिद्धार्थ और शहनाज की जो नंबर वन ट्रेंडिंग में केमिस्ट्री चली है उसको आपने जीरो बोल दिया, और आप जो हो, आप जो बोल रहे हो कि मेरे साथ गाना आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे, मैं ये जानना चाहता हूँ और पूरी जनता जानना चाहती है, सिडनास फैन जानना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड के फैन ये जानना चाहते हैं कि अगर वो गाना आएगा फिर तो आप अपना मतलब कि सिद्धार्थ से बहुत ही बड़ी लगेंगी। फिर तो मेरा मेरा बिल्कुल. ओपिनियन, मेरा ओपिनियन पहले ये है, फिर तो आप बहुत बड़ी लगेगी, सिद्धार्थ तो बच्चा लगेगा। फिर उनको कैसा रिएक्शन मिलेगा उनको उस वक्त पता लगेगा कि जब ऐसी चीज अपने पे बीतती है तो आपको वो देखना चाहिए कि क्या बोल रहे हो। ऐसी नहीं कि फालतू में किसी के ऊपर आप कमेंट कर दोगे। पहली बात, मैं भी हूं, मैं भी मूवी देखने जाता हूँ, अगर मूवी मुझे मूवी नहीं अच्छी लगी या अगर उसके अंदर मेरा कोई दोस्त है, मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि तूने काम अच्छा नहीं किया, मैं उसको हमेशा ये बोलूंगा कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया, ताकि वो अगली बार और अच्छा काम करे। मैं उसको बिल्कुल. ये, अगर मैं उसको पहले ही डीमोटिवेट कर दूंगा तो मेरे को ये बताओ फिर उसका पहली एक ना हौसला टूट जाएगा, वो एक कंफ्यूज होता है ना कि मैंने इतना अच्छा काम भी किया, अच्छे लोगों ने लाइक भी किया और मयूर ने मुझे बोल दिया, डीमोटिवेट कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक्टर दिल से काम करता है और बहुत ही मेहनत से करता है। सुबह उठते हैं 6-6 बजे, रात के 12-12 बजे तक शूटिंग चलती है, पूरी टीम हमारे साथ होती है और उसको पूरा योगदान देने में सारों का सहयोग होता है। उसके बाद भी आप ऐसे कमेंट करोगे, फिर ये सीनियर एक्टर की निशानी नहीं है, मुझे लगता है ये तो फिर फेम लेने की निशानी है। बिल्कुल अच्छा, अभी बहुत सारे एल्बम्स आए थे. अभी आसिम और हिमांशी का भी एल्बम आया था, वो कैसा लगा आपको? अच्छा एल्बम है, बिल्कुल अच्छा है और बहुत ही अच्छा है। जैसे कि उसके अंदर कलरफुल चीजें यूज की गई हैं, फ्लावर यूज की गई हैं और दोनों बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छा एल्बम, वो भी बहुत अच्छा एल्बम है, मैंने देखा। तो अभी शायद आपका शहबाज के साथ एक म्यूजिक एल्बम आने वाला है, म्यूजिक वीडियो, तो उसके बारे में कुछ यस, बताएंगे? शहबाज और मेरा अभी म्यूजिक वीडियो आने वाली है, जो कि गाना रेडी हो चुका है, बट मैंने अभी तक, मैंने भी गाना नहीं अच्छा. सुना, अभी रेडी हो चुका है और उस गाने का नाम है शहबाज बन गया हीरो। ओके. एल्बम का टाइटल ही ये है, शहबाज बन गया हीरो। तो तो उसकी वो शूटिंग हो चुकी है अभी? नहीं, अभी क्या कोरोना चल रहा है जिस अच्छा. कारण अब अभी रुके हुए हैं। एक नहीं, दो गाने आ रहे हैं, जो कि अच्छा. एक गाना कनाडा में शूट होगा, एक शहबाज ओके. के शहर के अंदर शूट होगा, ब्यास के अंदर शूट होगा, तो एक गाना वहां पे शूट अच्छा. करेंगे और जैसे ही शूट होगा विद इन 1 वीक के अंदर हम उसको रिलीजिंग पे डाल देंगे। और शहबाज का अच्छा. पेज आ चुका है और हम वहां पे ही रिलीज करेंगे। ओके, दैट्स ग्रेट. और उसके अलावा और कुछ, और क्या क्या करने वाले हैं आप? अच्छा, अभी जैसे ही कोरोना ये खत्म होगा, लॉकडाउन, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो जैसे ही हमारा कोरोना खत्म होगा, हमारा गाना पूरा रेडी पड़ा है, हम चाहते हैं कि कोरोना फटाफट खत्म हो और उसके बाद हम अपना गाना लेके आए, क्योंकि ओके. फैंस की तमन्ना है कि शहबाज और मेरी हाँ. दोनों भाइयों का गाना आए। शहबाज जिसके अंदर फर्स्ट टाइम हीरो प्ले कर रहा है और मैं उसके ऑपोजिट विलन हूँ। तो शहबाज से आप एनएसके में ही मिले थे, उस शो में मिले थे, तो यस अभी कितनी अच्छी बॉन्डिंग है आपकी? वो तो मुझे लग रहा है आपकी बातों से कि आपके बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं शहबाज. शहबाज और मेरी बॉन्डिंग ना, जब हम डे फर्स्ट से, मेरी घर में इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी और बैक स्टेज में भी जब हमारी परफॉर्मेंस थी तब भी मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। और आज शहबाज और मेरी बॉन्डिंग ऐसी है जैसे हमें लगता है कि हम 10 साल पुराने दोस्त हैं, क्योंकि हम 2-3 दिन बाद लाइव आते हैं और हम 1.5-2 घंटा हम एक दूसरे का और मजाक, बहुत एंटरटेन करते हैं आप फैंस को. हाँ, तो हम दो दो घंटे हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं। वो मेरा उड़ाता है, मैं उसका उड़ाता हूँ, वो मुझे शायरी सुनाता है, मैं उसके ऊपर गलत शायरी सुनाता हूँ, तो हम सारा दिन मस्ती करते हैं। हमें लगता ही नहीं कि हम ये शो में ही मिले हैं। हम शो में लास्ट में ऐसा हो गया था कि दोनों भाई एक ही प्लेट पे खाना खाते रहे, अरे वाह. ऐसा प्यार बन गया था। चलिए, आइए थोड़े से क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि फैंस बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं. फैंस की तो पूछो ना, पूछो, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, फैंस ही तो है सब, फैंस कुछ भी कर सकते हैं, मुझे इतना मालूम है। कौन है वो, कौन है वो ओ, लड़की? अच्छा, एक्टर वो अंकिता भी आ चुकी है। अंकिता, हे अंकिता, हाउ आर यू, हे हैंडसम, हाय, मुझे हैंडसम बोल दिया, आज का दिन बना दिया मेरे इन्होंने। बलराज भी आया हुआ है। सिद्धार्थ, क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस ओनली, माय गॉड, क्या बात है, सब लोग सिद्धार्थ के बारे में ही पूछना चाहते हैं. Why you are, बलराज भी आ गए, सब आ चुके हैं लाइव में, सब आ चुके हैं। मयूर, आप एनएसके में बहुत अच्छे लग रहे थे. हाँ मयूर, वैसे आप बहुत अच्छे लग रहे थे वाकई में.
थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मयूर, ऐसा कुछ सोचा था आपने कि मतलब क्योंकि आपकी जर्नी बहुत अलग रही, मुझसे शादी करोगे में और उसके बाद फैन फॉलोइंग और सारी चीजें, मतलब वो कितना अच्छा लग रहा है आपको, कितना प्राउड फील कर रहे हैं आप? देखिए, पहले तो जब मैं घर के अंदर गया था बहुत डर लग रहा था, ठीक है। जब उसके मैं घर में गया, मैंने बोला कि इतना बड़ा मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, ठीक है, और अगर इस प्लेटफॉर्म को मैं दुनिया को ना दिखा पाऊं मैं कौन हूं, तो फिर तो मेरे मेरा एक्टर होने का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने उस प्लेटफॉर्म को अपने आप को दिल से दिखाया। मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि मेरे इर्द गिर्द कैमरे, हम 250 कैमरे के अंदर होते थे, मैं फुल मस्ती करता था, मुझे कुछ नहीं करना यार, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दुनिया देख रही है। ये लो जसलीन भी आ गई, हाय मयूर, सब आ गए। तो मैं पूरा बिंदास रहता था, मस्ती करता था, मतलब कि मैं ना खुश रहता था और दुनिया को खुश रखता था कि सारे हंसने चाहिए, तो सारे हंसते रहते थे। मैं फिर मेरे को गेम्स भी मिलती थी जिसके अंदर मैं लोगों को हंसाता था और मैं उनको तंग भी करता था। फिर मैं साड़ी डाल के सारों को तंग करता था जो मुझे टास्क मिला था। मैंने सारों को तंग भी किया है, मैंने लिपस्टिक लगाई है, अंकिता के क्लिप होते थे वो मैं चोरी करके डाल लेता था, फिर मैं भाग जाता था। फिर मैं बहुत मस्त, बहुत फन हुआ, मतलब कि मजा आ गया ये शो के अंदर। अगर कोरोना वायरस नहीं होता तो अभी तक ये शो चल रहा होता। Somebody is asking, we want you and Shehnaz. तो अच्छा, आप शहनाज के साथ कुछ म्यूजिक वीडियो करना पसंद करेंगे? अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर करना पसंद करूंगा। मौका मिलेगा तो मैं क्यों नहीं करना चाहूंगा, मेरी अच्छी दोस्त है और हम उसके साथ शो करके आ रहे हैं, तो ऑब्वियस मैं करना चाहूंगा। आप तो क्या तो कंसंट्रेट रिक्वेस्ट। करना चाहिए। देवोलीना भट्टाचार्य इज अ गुड एक्टर्स, फाइन, ट्राई करिए प्लीज। एक्टर तो सभी अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता, बस स्टेटमेंट देने वक्त सोचना चाहिए। चलिए, हम छोटा सा एक, मयूर जब तक कमेंट्स आ रहे हैं, एक छोटा सा सेगमेंट खेलते हैं आपके साथ, ठीक बिल्कुल, आपके सेगमेंट भी, आपके सेगमेंट भी बहुत खतरनाक होते हैं, वो आप पूरे रेडी करके है? हाँ। नहीं, बहुत सिंपल है, खतरनाक नहीं है, आपको अच्छे लगेंगे। फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश। सेलिब्रिटी क्रश, सेलिब्रिटी, कैटरीना कैफ। ओके, फिल्म और वेब सीरीज? फिल्म, ओके, वेब सीरीज नहीं देखते आप? वेब सीरीज भी देखता हूँ। मेरी जो सबसे फेवरेट वेब सीरीज है, जो मेरी मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है और मैं उसको बार बार देखता हूँ, मिर्जापुर है। और अभी मिर्जा रिसेंटली कौन सी देखी आपने? अभी मैंने इंग्लिश मूवी देखी थी, काफी देर बाद मैंने देखी, 50 Shades of Red। ओके, क्योंकि और अभी देख तो लॉकडाउन चल रहा है तो अभी तो वेब सीरीज देख रहे तो होंगे आप। घर में बैठते ही देखते रहते हैं। कभी पंचायत मिर्जापुर देखी आपने? पंचायत? नहीं, मैं क्या करता हूँ, मेरे को जो पसंद होती है ना, पहली मैंने देखी होती है उसको मैं बार बार रिपीट देखता हूँ, और मैं मिर्जापुर में बार बार रिपीट अच्छा। देख, मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं बार बार देख देख सकता हूँ उसको, ऐसा है। ओके, शहनाज और जसलीन। खतरनाक नहीं है? ये तो घर के अंदर, ये वाला सीन घर के, ये वाला सीन घर के अंदर भी हुआ था। शहनाज के साथ मैं बैठा हुआ था, तो शहनाज के साथ मुझे डेट पे जाना था, तो शहनाज ने ओके। बोला मुझे ये बता कि मैं या जसलीन, तो मैंने बोला जसलीन, तो ओके, अभी भी जसलीन। जसलीन। ओके, फेवरेट क्रिकेटर? क्रिकेटर, हाँ, विराट कोहली। ओके, अच्छा, अगर आपको कोई लड़की पसंद करनी हो, मतलब शादी तो करेंगे आप ना इन फ्यूचर, तो यस, कैसे लड़की पसंद करेंगे आप? मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल है, शहनाज जैसी, जसलीन जैसी, या क्या क्वालिटीज आपको चाहिए लड़की से? देखिए, लड़की है सारी अच्छी होती है, ये डिपेंड होता है कि आप कैसे उसको हैंडल करते हो। कई बड़ी लड़की बहुत ही ज्यादा मॉडर्न होती है, कई बड़ी लड़की बहुत ही ज्यादा घरेलू होती है, कई बड़ी लड़की बहुत ही बिंदास होती है। मतलब ये आज की जनरेशन है 2020, तो आज की डेट में तो 99% लड़की मॉडर्न ही होनी चाहिए, बिंदास होनी चाहिए, और अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करने वाली होनी चाहिए, और जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। मेरी तरफ से कभी कोई, मैं ऐसा एक लड़कों में कभी भी लड़कियों को, जो भी मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ होगी, मैं कभी भी उसको तंग नहीं करूंगा। जैसे है रहना चाहिए, बिंदास रहना चाहिए, सच बोलो, एंजॉय करो लाइफ को। ये नहीं कि बाउंडेशन करो फिर बाउंडेशन के बाद कल को लड़ाइयाँ आती हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। एक फ्रीडम रहनी चाहिए कि ताकि आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी चले, जहाँ पे मेन आपके तो अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए दोनों की, अंडरस्टैंडिंग, जब बहुत तक जरूरी आपकी, है।
जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं अच्छी होगी ना, तब तक आपका रिलेशन अच्छा नहीं चलता है। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग होनी बिल्कुल बहुत जरूरी है। मैं वैसा ही हूँ, बिंदास। ओके। फर्स्ट मूवी वॉच, सबसे पहले आपने कौन सी मूवी देखी थी लाइफ में? मेरे लाइफ में सबसे पहले यार छोटे होते तो पता नहीं बहुत देखी है, बट जब हम स्कूल टाइम में आ गए थे तो मैंने आशिक बनाया मूवी देखी थी, तो हमारी वो फेवरेट होती थी। फिर उसके ओके। बाद नमस्ते लंदन भी मेरी फेवरेट मूवी रही है। फिर जन्नत 2 जो जन्नत आई थी, जन्नत तो मेरी पूरी फेवरेट मूवी रही है। मतलब कि वो मूवी के लिए तो मैं दीवाना था। मैं उस मूवी को 15-15 बार मैंने थिएटर में देखी है, 15-15 बार, अच्छा इतनी अच्छी ओके। मूवी लगी है। तो अभी भी जैसे कोई टीवी में मूवी आती है तो कुछ ऐसी सिलेक्टेड मूवीज है जो हाँ ये आ गई, और मतलब बहुत सारी एंटरटेनिंग मूवीज है ना ऐसी जो लगता है कि नहीं अच्छा ये दोबारा मतलब 4-5 बार आपने देखी हो जैसे। मैं जैसे मेरे को बाहुबली 2 बहुत अच्छी लगी, मैंने उसको बार बार देखना चाहता हूँ, क्योंकि उसके एक एक सीक्वेंस के अंदर इतना अच्छा होता है। रेस आई थी, रेस मूवी आप देखो, देखी तो मैंने, बहुत अच्छा लगता है। अच्छी है। कई मूवी आपको दिल से होती है, सलमान भाई की मूवी आती है इतनी, ठीक है, तो हर चीज के अंदर ना दिखता है कि यार वाकई में मूवी रियल लग रही है। बजरंगी भाईजान आई थी, वो इतनी अच्छी लग रही थी कि मतलब कि सामने उठने का दिल ही नहीं करता, सीन के बाद सीन आपको ना खींच रहा है, तो मैं बार बार मूवी देख सकता हूँ ऐसी मूवी। कोई ऐसा लाइफ में इमोशनल मोमेंट जब आप बहुत इमोशनल हुए हो? ऐसा था कि घर के अंदर ही था मैं सच्ची बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं 27 साल में आज तक कभी रोया नहीं हूँ। मैंने कभी ना अच्छा लाइफ में शुरू से बचपन से मेरी फैमिली ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है, कभी मेरे को ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि मेरे को ऐसी सिचुएशन में आना पड़े। तो घर के अंदर थे, घर के अंदर क्या होता था, आप 1 घंटे का फुटेज देखते थे, तो 24 घंटे जो हम रहते थे हमें मालूम है, और हम 2 घंटे की पूरे दिन में नींद पूरी करते थे, ठीक है। तो क्या हुआ था, एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि जो लड़कियां थी ना, वो क्या करती थी, पारस को बस खुश करने के लिए कुछ भी करती थी। तो अच्छा घर के अंदर जसलीन मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बन चुकी थी, हमने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा कई मोमेंट में, फोरहेड पे किस भी की है, ठीक है, गले भी लगे हैं। तो लड़कियां क्या करती थी, पारस को जाके ये बोलती थी, देखो कि जसलीन तेरे लिए आई है और वो मयूर के साथ बैठी फ्लर्ट कर रही है, ठीक है। तो ये चीजें बार बार हो रही थी, मैंने पारस को भी बोला था, मैं कहा पारस अगर मेरे मेरे को ऐसा कुछ होगा ना तो मैं तेरे को सामने से बोलूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी दोस्त है और एज ए फ्रेंड यार मैं उसका हाथ पकड़ सकता हूँ यार, इसमें कोई गलत नहीं है। तुम भी, पारस भी शो के अंदर था जब वो उसका मायरा के साथ था, मैं कहा आप भी शो के अंदर थे, आपकी भी इतनी मोमेंट्स है, आप भी जानते हो, आप भी उसको हमेशा फ्रेंड बोलते थे और वो फ्रेंड ही आपकी, तो मैं भी उसको सामने से फ्रेंड बोल रहा हूँ, तो अब वो बार बार ये लड़कियां उठा रही है, बोलता है कि नहीं उठाना चाहिए। फिर एक टाइम ऐसा आ गया था जब जसलीन पारस यार डेट गई थी, तो पारस ने उसके ऊपर चिल्लाया कि वो फ्लर्ट कर रहा है तेरे साथ, ये कर रहा है। तो क्या हो गया था, उस दिन मैंने भी डेट पे जाना था शहनाज के साथ, तो ऐसा हो गया था। तो जसलीन आई, जैसी डोर खुला वो आई, बड़े मूड ऑफ में आई, अब मैं पास नहीं जा सकता, मुझे मालूम अभी उसका मूड ऑफ है। फिर भी मैंने 15-20 मिनट बाद गया, मैंने उससे बात की, तो उसने बोला मुझे ऐसा लग रहा है, तू ऐसा कर रहा है। मैं कह देख, उस टाइम में मैंने अनदीप को बुलाया, मैं कह भाई तू आ बता अगर तुम्हें कहीं लगा ये मैंने ऐसे किया या नहीं किया, तो मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं था, मैंने एज ए फ्रेंड पकड़ा था, ठीक है। फिर वो बात, मैं मेरे को डेट पे जाना था, मुझे माया का ऊपर से मैसेज आ गया, मयूर आप डेट के लिए गेट के पास आ जाइए, मैं चले गया, सडनली चले गया। फिर वो घर के अंदर ना 2-3 दिन ना बात बार बार ये उठ रही है कि मयूर ने फ्लर्ट किया, और बार बार वो चीज मेरे दिल पे लग रही है, यार मैंने कुछ किया ही नहीं है, सारे लोग जानते हैं, फिर मेरे ऊपर वो लड़कियां ऐसी बार बार इंजाम लगा रही हैं। तो मैं एक टाइम पे आके ऐसा हो गया था कि मैं टूट गया, और मैं घर के अपने बेड पे गया और मैं चुप करके सोच रहा हूँ कि यार मैंने क्या किया, मैं पहले ये चीजें सोच रहा हूँ मैंने किया क्या है, रिवाइंड कर रहा हूँ, मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे ऊपर टैग लग गया। फिर वो उस टाइम ऐसा आ गया था कि मैं अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाया, 27 साल का जो अंदर रोना भरा हुआ था वो फिर उस दिन पूरा निकल आया, ऐसा हो गया था। ओके। सो योर फर्स्ट हार्ट ब्रेक, हाँ जी, फर्स्ट हार्ट ब्रेक मतलब ऐसा कभी हुआ कि बचपन में होते ना हम लोग के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ ये स्कूल हुआ तब तो बहुत होते थे, स्कूल लाइन में तो रोज ही होते थे, तो कभी कुछ कुछ थोड़ा शेयर करिए। स्कूल लाइन में आप तो स्कूल में ऐसा, कॉलेज में कैसे थे, क्या मतलब शैतान थे बहुत आप या सीधे थे, मैं तो पढ़ाई बहुत वाले अच्छा, बच्चे थे?
नहीं, मैं नहीं पढ़ाई वाला बच्चा था, मैं तो बहुत शैतान था। हमारा ग्रुप था, हम इतनी मस्ती करते थे, ठीक है, और सारा दिन ना मस्ती में ही रहते थे। हम पढ़ाई में तो ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं थे, हम सारा दिन एक्टिविटी करते रहते थे, लड़कियों को अच्छा छेड़ना, तंग करना, कभी कागज मार देना, कभी मस्ती करना। तो स्कूल में तो कहते हैं ना, हार्ट ब्रेक मतलब कि 1 साल के अंदर चार चार बार होता था ऐसे। अरे वो ऐसे ही होता है ना, उस वक्त हम बच्चे बच्चे होते हाँ, हैं, समझ, बचपना वाला हार्ट ब्रेक। बचपना होता है, पता नहीं होता लड़की ने उससे क्यों बात कर ली, अरे ये तूने गलत किया, तेरा कुछ है, तो फिर वो लड़ाई हो जाती थी। फिर स्कूल में तो बहुत डेली हार्ट ब्रेक होते थे, ये तो कंफर्म रहता था। आपकी कोई बेस्ट मेमोरी, मेरी यार सभी, अभी ये शो के अंदर मतलब में कुछ ऐस हाँ शो शो के अंदर, शो के अलावा कुछ ऐसी लाइफ की बेस्ट मेमोरी? जो हमारा, मैं हम आजकल जैसे हम दोस्तों से बात करते हैं, जो हमारे पुराने मोमेंट्स थे, हम ये सोचते थे कि यार अगर हम स्कूल में होते और बहुत ज्यादा हम पढ़ लिए होते ना, तो वो बहुत अच्छा था कि एक साथ रहते थे, डेली घूमना, मस्ती करना, पुरानी बातें, शाम को मालूम है 5 बजे बाइक पे निकल जाना, गाड़ी पे निकल जाना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, ये बहुत ही अच्छी मोमेंट्स होती थी वो। उस टाइम की हम बातें अब याद करते हैं कि यार हमने स्कूल में कितना फन किया है, आज सारू की शादी हो चुकी है, सिर्फ मैं ही हूँ जो कवारा बैठा हूँ, बाकी सब शादी हो चुकी है, तो क्या था यार, क्या लाइफ होती थी यार। वो मोमेंट्स ना दोबारा कभी नहीं आ सकते, जो बोलते हैं ना, जो पुराने मोमेंट्स कभी नहीं आ सकते, वो हाँ, बिल्कुल वो नहीं आ सकते। बिल्कुल एक्यूरेट है। और बचपन तो ऐसी मतलब अलग ही फेज होता है लाइफ का, जो बहुत सारे लोग ही मिस करते हैं। हाँ, बचपन नहीं करते हैं, बट क्या होता है जब आप मच्योर हो जाते हैं ना, तब आपको वो चीजें याद आती है कि आपने लाइफ में इतना एंजॉय किया है, वो किया है। आज की बचपन में जो कोई टेंशन नहीं होती थी ना कि हमें ये भी करना है, वो भी वो करना भी है, बिंदास हम लोग। कभी 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 टेंशन होती नहीं थी, बिंदास रहते थे, पता है घर वालों ने खर्चा देना है या एंजॉय करना है, फन करना। आज की डेट में क्या होता है कि आपको आप ही काम करना, आप ही कमाना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है, घर वालों को भी लेनी है, तो ये जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है तो बहुत कुछ चेंज होता रहता है। ओके, आपका फेवरेट सॉन्ग को अरे गा यार, के भी सुनाना है आपको, अरे गा के भी बाप सुनना रे है। बाप यार, ये तो पता क्या होता सीरियसली, था, बस दो लाइन। मैं आपको बता, इसकी भी एक बात बता दूं, ठीक है। मैं शहनाज के साथ डेट पे गया, कहती गाना गा के सुना। अरे मैंने कहा मैं बहुत बेवसीदा सिंगर हूँ यार, मेरे को नहीं आता गाना। कहती नहीं, फिर कौन सा गाना सुनाया आपने? मैं वही बताता हूँ। मैंने कहा आप लाइन गाओगे, उसके बाद मैं गाऊंगा, ठीक है। कहती नहीं, तू ही गाएगा। फिर मैंने उसके लिए गाना गाया था, फिर उस दिन मैंने, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन गौतम आए, गौतम कहते मयूर तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो, गाना गाओ। अरे मैंने कहा एक टेंशन से मैं निकला नहीं, दूसरी टेंशन आ गई। तो उस वक्त मैंने बेसुरा गाना बहुत ही ऊंची गाया था, अभी तो आराम से सुनाता हूँ। दिल दिया गल्ला करांगे अरे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला दे, दिल दिया गल्ला। ये देखो कितना बेसुरा सिंगर हूँ यार अरे, कितना अच्छा तो गाया आपने, तो ये आपका मैं फेवरेट सॉन्ग है। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, ये तो जब घर में मैंने ये गाया था उसके बाद तो मेरा और फेवरेट सॉन्ग हो गया। मैं गाने को बहुत ही सुनता और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं गाने से आपको आइडेंटिफाई किया जाता है, तो ये गाने से मुझे दुनिया जानती लेकिन है। आपने सिर्फ एक ही लाइन सुनाई, इसकी दो लाइन और सुनाइए। एक मिनट, ये जसलीन क्या लिख रही, यू हैव ए फ्रेंड हु हैज ए हु, इतनी भारी इंग्लिश मत लिखा कर यार, समझ नहीं आती। मेरी इज्जत रख लो, अरे इज्जत मेरी अपनी इज्जत नहीं है यार, मेरे को गाना गाने को बोल रहे हैं। तो बस ऐसे ही हम, मैं घर में भी ऐसे गाना गाते थे, दो तीन लाइनें गा लेते थे, फिर सारे मिलके गा लेते थे, फिर बस ऐसे ही चलता रहता था, शेरो शायरी चलती रहती थी। अभी एक हमारी शेरो शायरी वायरल हुई है, मैंने शहबाज के ऊपर मारी थी, तो बहुत ज्यादा वायरल हो गई है। क्या 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 था वो? अरे बुलाती है मगर जाने का नहीं, वाह, बुलाती है मगर जाने का नहीं, शहबाज वाह को, हाँ बिल्कुल, वाह 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 वाह, शहबाज शहबाज सबसे बड़ा कोरोना वायरस है, इसके पास आने का नहीं। ओहो, ये शहबाज अगर इस समय लाइव होंगे तो आपको बस आ जाएगा, वो आने वाला होगा, वो भी शहबाज भी आने वाला होगा, उसका टाइम हो गया लाइव आने का, तो वो देख लेगा, 1 सेकंड में आ जाएगा। तो ये जो हमारी, मैंने शेरो शायरी मारी थी, इसके 7 मिलियन व्यू हो चुके हैं, ये शेरो शायरी के। अच्छा, या अरे वाह, एक बार और हो जाए। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बोली वाह 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 वाह, वाह 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 बुलाती है मगर जाने का नहीं, शहबाज सबसे वाह बड़ा, आय हाय हाय, शहबाज सबसे बड़ा कोरोना वायरस है, इसके पास आने का नहीं। क्या बात है, वाह क्या ये हमारी हिट है लाइन, ये हिट लाइन है।
अच्छा, आपका लाइफ में ऐसा कुछ है जो आपने नहीं किया और आप करना चाहते हैं? मैं लाइफ में ना, मैं अभी खतरों के खिलाड़ी देख रहा था, काफी दिन से देख रहा था, और उसके अंदर जो बलराज है वो शो के अंदर भी था, मेरा दोस्त था, तो मयूर ने, बलराज ने बोला, मयूर लाइफ में ना एक बार खतरों के खिलाड़ी जरूर करना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ यार कि वो क्या है ऐसा शो, मतलब कि आपको सांप, कॉकरेच, बिच्छू, ये वगैरह क्या चीजें हैं, मेरे को कि एक बार अपना डर निकालना कि वाकई में मैं कर सकता हूँ, मैं वहां पे एक स्टंट भी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ आपको मेरे। वैसे डर लगता वैसे तो यार पंजाबी में डरता तो कुछ भी नहीं हूँ, अगर मेरे को एक बार पंप मिलेगा ना मैं कुछ भी कर लूंगा, पंप देने की बस, कोई पंप दे देना, रोहित सर अगर एक बार पंप दे दे, मयूर कर, तो मैं कर लूंगा, बट क्या होता है फिर भी, एक अच्छा। फियर तो फियर है ना, डर तो डर है ना, तो मैं एक बार वो शो करके देखना चाहता हूँ कि वो शो में ऐसा है क्या जो दुनिया यार कर लेती है। मैं देखता हूँ कई बार ऊपर आपको इतने हैवी हैवी सांप डाले जाते हैं, कॉकरेच मुंह से उठाना है सांप को, मतलब कि और वो पूरे बॉडी में सांप और कॉकरोच और सब मतलब बाप रे। कि मतलब कि तो कि लास्ट फिर हवा के अंदर ले जाते हैं, हेलीकॉप्टर के ऊपर टांग देते हैं, मतलब कि ये चीजें बहुत ही अलग है, मैं ये चीजें करना चाहूंगा एक बार। अच्छा, अगर हम बिग बॉस 14 की बात करें, तो अगर आपको ऑफर मिलता है तो आप जाएंगे? देखिए अगर बिग बॉस 14 में मुझे ऑफर मिलेगा हम जरूर जाएंगे, क्योंकि मुझे और शहबाज को सारी दुनिया बोल रही है कि हम लोग, आप लोग दोनों को बिग बॉस 14 में देखना चाहते हैं, तो अगर हम दोनों जाएंगे तो हमारा जो होगा दोनों भाइयों का स्टेज के अंदर दोनों का परफॉर्मेंस एक साथ होगा, अरे क्योंकि वाह, तो हम हमारा लोग क्यों वेट कर रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए। क्योंकि हमारा हैशटैग बना हुआ मयूर बाज, मयूर बाज, मतलब कि मयूर और शहबाज का हैशटैग बन गया दोनों भाइयों का, और हम दोनों भाई जाएंगे, दोनों स्टेज पे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम दोनों डांसर नहीं है और हम कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया उसी में खुश हो जाती है, ठीक है। तो फिर हम जो करेंगे, और हम देखना, हम दोनों भाइयों की ऐसी पहचान, जब हम अगर हम गए, हमारी ऐसी पहचान बनेगी दुनिया पागल हो जाएगी, ये इतिहास बदल बिल्कुल। दे, इतिहास बदल देगा, क्योंकि हम अभी शहबाज ने यूट्यूब चैनल बनाया, 1 वीक के अंदर मेरे ख्याल से 45 to 50,000 सब्सक्राइबर हो गए, और उसके अंदर मेरे और शहबाज की वीडियो है, शहनाज की वीडियो है, लोग बहुत अच्छा उसको लाइक कर रहे हैं, तो ऐसा है। तो वैसे आप और जब शहबाज आते हैं तो वाकई में आप लोग की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। वीडियोस वगैरह आप जो शेयर करते हैं, फैंस को बहुत पसंद आते बहुत हैं। बहुत पसंद आती है, लोग इसलिए हमेशा बोलते हैं कि यार आप दोनों को बिग बॉस 14 में आना चाहिए, मैं अगर आप लोगों की दुआ है, आप लोग दुआ करना बिल्कुल, हमारे लिए तो कि हम हम जरूर, जल्दी आपको बिग हाँ, बॉस 14 में देखने वाले बिग बॉस हैं। 14 में देखेंगे, और वो तो ऐसा दिखेगा धमाका कि लोग बोलेंगे वाह ये आज तक दो भाई आए हैं और दो भाइयों ने पूरे शो को हिला रखा है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? वैसे तो अपन सब कुछ भी खा लेते हैं, आप उनको कोई सब खा लेते टेंशन, हैं, सब खा लेते हैं, आप कुछ भी दोगे ना हम खा लेंगे, बट हमें तो फिर भी ऐसा है ना कि कुछ, मतलब कुछ ऐसी फेवरेट हो कि हाँ बहुत पसंद हो आपको। छोले भटूरे, वैसे पंजाबी को छोले भटूरे और लस्सी। लस्सी, लस्सी बहुत अच्छी लगती है मुझे, नमकीन वाली, फिर उसके बाद छोले भटूरे खाना बहुत पसंद है, मतलब ये बहुत, ये आलू मैं सब, पराठा हाय हाय हाय, विद ये मक्खन, वो घर वाला व्हाइट मक्खन। आपको मालूम है जब मैं मुंबई में आया था मेरा वजन कितना था, 110 किलो, बापरे, और अभी कितना है? अभी तो मेरा 70 किलो वजन है। अगर आप मेरी इतना इंस्टाग्राम, आप अगर मेरी कम? इंस्टाग्राम में प्रोफाइल देखोगे ना, मेरी वो मोटे वाली प्रोफाइल देख के शॉक हो जाओगे कि ये क्या था, अब तो बट मैं आपने बहुत, कैसे गेन किया, इतना कैसे किया आपने कम? बस फिर जब मुंबई के अंदर आ गया, फिर उसके बाद होता है हाँ, ना कि शायद वो यार घर का खाना पीना आ गया पूरा चेंज शहबाज, हो आ गया ना गया आ गया पूरा। आ गया शहबाज, आ गया शहबाज, आ गया, इसको इसको तंबाकू खाना अच्छा अच्छा। लगता तो एक बार आप सुना रहे थे ना, जो फैंस एक बार और सुनना चाहते हैं, अभी शहबाज भी आ गए हैं, राइट? एक मैं बार और हो जाए। आपको आपको वो भी सुनाऊंगा, आपको मालूम है शहबाज के साथ मैंने गाना करना नहीं था, मैंने अच्छा, इसका गाना नहीं करना था, इसको मालूम है मैं एक बहुत हाँ, बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, तो इसने मेरी रिक्वेस्ट की कि सर मैं ओहो। आपका फैन हूँ, मैंने कहा तेरी, मैंने बोला तेरी रोटी के तवे जैसी शक्ल है, मैं तेरे साथ गाना करूंगा और तू हीरो बनेगा उसके अंदर, कहता सर प्लीज आप, आपका जो भी चार्ज होगा मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ, तो मैंने कहा मेरा चार्ज बहुत हैवी है, मैंने बोला मैं 50 लाख लेता हूँ 1 घंटे का, तो कहता मैं आपको अरे वन कर, तो मैंने कहता वो देखो नीचे लिख रहा है शहबाज लिख रहा है साला, फिर मैंने वो कहता मैं आपको 1 करोड़ रुपीज दूंगा पर घंटे का, तो मैंने बोला ठीक है जो जितने घंटे हो गए मैं उस हिसाब से 1 करोड़ रुपया घंटा लूंगा, तो वो तुम दोगे, कहता यार सर रेडी हूँ बस आपके साथ एक गाना करना, तो मैं कहा ठीक है यार, फिर मैंने शहबाज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि ठीक है, और उन्होंने मुझे एक टोकन अमाउंट दे दी 5 करोड़ रुपया, तो मैंने बोला अरे वाह, ओके,
क्योंकि क्या बात है। शबाज बहुत पैसे वाला आदमी है, और वो मेरा फैन था, और आज मेरा भाई बन चुका है। तो मैंने कहा ठीक है यार, भाई से पहली बार तो काम कर रहा हूँ, पैसे तो लेना बनता है ना। और हम शबाज का डायलॉग सुनाते हैं जो टिकटॉक पे वायरल हुआ, वो बुलाती है हाँ मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। शहबाज सबसे, वाह 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 वाह, शहबाज सबसे बड़ा कोरोना वायरस है, इसके पास आने का नहीं, मुंबई वाले लोगों से दूर भागो। ये क्या लिख रहा है, ये शहबाज क्या लिख रहा है, साला एक टाइम के खाने पे शूट कर लेता है। शहबाज पता क्या बोल रहा है, कि इसको एक टाइम का खाना दे दो कि पूरा दिन शूट कर लेगा। लेकिन अच्छा है आप लोग की जो वीडियोस है ना, वाकई में फैंस फैंस को एंटरटेनमेंट बहुत होता है, फैंस को बहुत मजा आता है देखिए आप दोनों पता क्या बात होती है, की कि बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो आपस वीडियोस। में ना परफेक्ट दिखते हैं। अब हम दोनों भाई ऐसे लगते हैं ना, दुनिया पागल हो जाती है जब भी हम मतलब लाइव आप आते लोग की जो हैं। ट्यूनिंग है ना वो बहुत अच्छी है, सबसे मेन है बहुत ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, मतलब कि देखिए मैं उसके ऊपर कितने तवे लगा रहा हूँ, ठीक है। अब वो मेरे ऊपर यहाँ पे लाइव तवे लगाता रहेगा, लोगों को वो पसंद आता है। और एक शहबाज की और बात हाँ बताता हूँ, जो वो अपने लाइव में आके बोलता है, बट वो उसने किया था। हमारा एक स्विमिंग पूल में हम मस्ती करने जा रहे थे, क्योंकि जो शहबाज की क्लास थी ना बहुत हिट गई थी, बहुत अच्छी गई थी। तो हमें बोला गया कि आज आपकी पार्टी है, आप स्विमिंग पूल में मस्ती करो रात को, और खाना पीना मिलेगा। तो शहबाज स्विमिंग पूल में गया, और उसने अंदर जाके आपको मालूम है क्या कर दिया, सुसु कर क्या दिया। सोचिए, मतलब भी मुझे कैसे पता लगा, वो अकेला पानी के अंदर गया और अंदर मैं सुसु कर रहा हूँ, ऊपर बबल आ रहे हैं। मैंने कहा ये क्या किया तूने, कहता भाई अब मेरे से हो गया सुसु यार, कहता। फिर हमने बोला कि हम नहीं अब अंदर आने वाले, फिर पानी सारा क्लीन हुआ, फिर उसके बाद अब अंदर गया। और वो अनकट सीन में भी है, अच्छा वो ऐसा करता, और वो मेरा नाम लगा देता, मयूर ने अंदर जाके सुसु किया, मैंने कुछ नहीं किया यार, फैंस लोगो मेरे सुनो। अभी देखना वो कितना, वो ना अभी लिख रहा है, वो अभी सुन रहा है, और बहुत लंबा कमेंट, अच्छा वो बहुत लंबा कमेंट करने वाला, वो अभी चुप रहने वाला नहीं है। ये देखो ये क्या लिखा, ओए झूठा कुत्ता, ये आपको मालूम है यही सब काम करता है। अच्छा तो ऐसा अगर हम बात करें फेवरेट इंडस्ट्री में, आपका फेवरेट कपल कौन से हैं जो आपके बहुत फेवरेट है? सारी कपल अच्छे हैं, जैसे अनुष्का और विराट कोहली भी बहुत अच्छे लगते हैं, प्रियंका और निक जॉन्स भी अच्छे लगते हैं, दीपिका और रणबीर भी अच्छे लगते हैं। सारों की जोड़ी परफेक्ट है, बस अपुन ही छड़ा रह गया, बाकी तो सारे बन चुके हैं। तो आप वो कब मतलब शादी कब करने वाले हैं? अभी तो देख, शादी क्योंकि मुझसे शादी करोगे अभी जस्ट शो अभी एक खत्म एक हुआ नहीं है तो एक नहीं, जसलीन ने क्या लिखा है, फैंस जानना चाहते हैं वो लड़की कौन है जिसका पोज डाली है। अरे वो पता क्या बात है, इतनी जल्दी अगर मैं अपने फैंस को बता दूंगा जो मैंने पोस्ट डाला है कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम बताओ क्या है, तो इतनी जल्दी अगर मैं बता दूंगा तो फिर मजा ही क्या है। फैंस को थोड़ी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना, जो मैंने पोस्ट डाला उसकी थोड़ी सी उनको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि कौन है लड़की जो मयूर ने अपने साथ डाली है। वैसे कौन है वो लड़की जो आपने जिसका सोचिए, आपने देखा वो पोस्ट, नहीं, मैंने देखा नहीं पोस्ट, आप मुझे ये बता दीजिए मैं वो देखूं। मेरा मेरा पोस्ट है, एक मेरी फोटो लगी हुई है और एक बाजू अच्छा में एक लड़की की फोटो लगी हुई है, उसका फेस को ब्लर ओके कर दिया गया। और मैंने नीचे शहनाज लिखे, नहीं, आप गैस करते रहिए, सोचिए, मैंने उसका फेस ब्लर कर दिया और मैंने नीचे लिखा ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आप सोचिए ये कौन है, आप मुझे कमेंट करके बताइए और मैं आपके साथ लाइव आऊंगा। और ओके मतलब कि आपस में ना, आप सोचोगे 1.5 घंटे के अंदर 600 लोगों ने कमेंट किया, वो आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं, कोई बोल तो रहा किसी है, का आया सही कमेंट? अब भी मैं इतनी जल्दी बता ही नहीं सकता, कोई लिख रहा है शिवानी, कोई लिख रहा है जसलीन जसलीन जसलीन, शिवानी शिवानी, पता नहीं कौन कौन से नाम ले रहे हैं, सारे नाम ले रहे हैं। तो मैंने कहा कमेंट सोचिए क्या है, इतनी जल्दी यहाँ मैं पर भी बता लोग, नहीं। यहाँ पर भी फैंस जवाब दे रहे हैं, वो फॉरनर लोग है, कौन है वो लड़की? सब गैस करो, सब गैस करो, ये तो मुझे जसलीन, हाँ, इसको तो बहुत हंसी आती है, इसको तो हंसी आनी है, मेरा घर बस रहा तो इसको हंसी आ रही है। सोचिए सपनों की सोचो। रानी। हाँ फैंस बहुत क्यूरियस है, फैंस आर राइटिंग एक्चुअली, फैंस बहुत क्यूरियस है जानने के लिए, बता दीजिए आप फैंस को। अच्छा ये देखो, अब तब देखना कब ये देखना ये खुलासा कब देखना करने वाले हैं? ये देखिए क्या क्या लिख रहे हैं, जसलीन है वो, देबोलीना है, दलजीत कौर है, ये मरीना है, पता नहीं क्या क्या नाम लिखे, फैंस लोगों को तो बहुत हेना
हेना, ये देखो कहाँ कहाँ से नाम ढूंढते हैं, इतनी जल्दी नहीं करूंगा, आप थोड़ा सोचिए। मैंने आप अच्छा ये मेरे फैंस की तमन्ना ही थी कि मयूर की गर्लफ्रेंड कौन है, डेली नया हैशटैग बना रहे थे, तो इसलिए मैंने अब ओके क्लियर कर दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड है। अब आप बताओ कौन है, मैं समझ जाऊंगा। कुछ थोड़ा सा हिंट तो दीजिए फैंस को, कुछ अरे थोड़ा सा हिंट गर्लफ्रेंड के बारे में बताइए। नहीं, इतनी मैं अगर देखिए, सारी आज की डेट में ना लड़कियां एक ही जैसी हैं, सब नेचर वाइज एक ही हैं, सब मस्ती वाइज एक ही हैं, सब बिंदास हैं, सब मॉडर्न हैं, सारी एक जैसी हैं आज की डेट में, क्योंकि 2020 के अंदर हम आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे फैंस समझे कि कौन है वो, और वो आंसर देंगे तो मैं उनके साथ लाइव भी आऊंगा और मैं फोटो भी डालूंगा। ओके तो अच्छा, अभी जैसे आप बता रहे थे आप म्यूजिक वीडियो अभी करने वाले हैं, उसके अलावा और क्या करने वाले हैं आप अभी रिसेंट? म्यूजिक वीडियो करेंगे, फिर उसके बाद बैक टू मेरी मूवी रिलीजिंग है इनोसेंट, जो कि बहुत ही जल्द आएगी। क्या मैंने बताइए थोड़ा सा अपनी मूवी के बारे में, क्या है उसमें कैरेक्टर? जो मेरी इनोसेंट मूवी है कि उसके अंदर मैं मेन लीड करेक्टर हूँ, ठीक है? तो एक थोड़ी थ्रिलर अच्छा टाइप मूवी है, चार लोगों की स्टोरी है, और उसके अंदर एक लव ट्रायंगल चलता है कि ओके पूरी मूवी में चार लोग हैं, सिर्फ चार लोग हैं, मैं हूँ, एक घर का नौकर है, और दो लड़की हैं, एक इंडियन लड़की एक फॉरेनर लड़की है। पहले मेरा मेरी फॉरेनर बीवी होती है, फिर बाद में उसको शक होना शुरू हो जाता है, मैं इंडियन के पास चले जाता हूँ। तो मतलब कि पूरा सस्पेंस चल रहा है, मर्डर केमिस्ट्री भी बीच में आएगी कि मेरी इंडियन गर्लफ्रेंड बाद में वो सर्वेंट को गोली मारती है। तो एक बहुत ही सस्पेंस होता है ना, जैसे आपने देखी होगी मिर्जापुर टाइप, वैसी वो मूवी है। हाँ 2 घंटे की मूवी है, अगर आप अच्छा देख लोगे ना, आप बोलोगे हो क्या रहा है मूवी में। डे पहले सीन से लेके मूवी के आपको नेक्स्ट सीन के अंदर ऐसा लगे कि क्या होने वाला है। अच्छा वैसे आपको सस्पेंस थ्रिलर अच्छी लगती है मूवीज? मेरे को अच्छी लगती है, मेरे को तो, मैं कसम से आप बोलोगे, मैंने मिर्जापुर के सारे पार्ट मैंने बार बार देखे। मतलब कि वैसी मूवी अच्छी लगती है जिसका हमें पता होना चाहिए कि अगला सीन आने क्या वाला राइट है, इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। और वैसे भी आज की डेट में वेब सीरीज का पूरा वो चल रहा है, तो बहुत अच्छी आ रही है वेब सीरीज, बहुत अच्छी आ रही है। तो हाँ, बहुत सारी आ रही है वेब सीरीज। बिल्कुल, वी वॉच योर मूवी, थैंक यू आंचल खुराना गर्लफ्रेंड है, ये कुछ भी लिखते हैं, इनको तो कुछ भी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। आंचल खुराना। पता नहीं ये इन लोगों को अलग तो, इनको तो तुक्के मारने हैं, ये तुक्के मार रहे हैं इतनी, ये इतनी मेरे समझ रहे कि मैं इनको बता दूंगा कौन है, वो तो कभी होने वाला है ही नहीं है इतनी अच्छा, जल्दी आपने तो। पारस के साथ भी जैसे अभी एमएसके में किया था काम, तो कैसे लगे आपको पारस, कैसे लगे? देखिए पारस, पारस को मैं बहुत पहले से भी जानता हूँ, ठीक है? जब पारस को मैं 10 साल पहले से जानता हूँ, तो जब मैं जिस दिन स्टेज में भी आया था, मेरी डांस परफॉर्मेंस थी, तो वो सोच रहा था, और उसके फोन पे मेरा नंबर भी था, और वो सोच रहा था कि ये कौन है कौन है कौन है। फिर जब मैं घर में गया, फिर पारस को याद आया, अच्छा तू है। तो पारस बहुत ही अच्छा लड़का है, कहते हैं ना, जो बहुत ही सुलझा हुआ है, जो अपने डिसीजन आप लेना जानता है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, और मेरे साथ उसके घर में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। और होता है कि यार कई बार सिचुएशन आ जाती है कि यार दोस्त दोस्त की भी लड़ाई हो जाती है। अब जैसे उसकी शहबाज के साथ लड़ाई होती थी, तो मेरा अंदर से मेरे को वो होता था, फिर मैं भी बीच में आता था, यार नहीं यार तू गलत है यार पारस, ऐसा नहीं करना चाहिए। काफी बार ऐसी सिचुएशन आई है तो मैं बोलता था पारस नहीं यार, वो तेरा छोटा, तेरी तेरे से छोटा है, और उसकी तुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि घर के अंदर लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, भाइयों के बीच में लड़ाई होगी तो उसका क्या फायदा। तो काफी बार ऐसे होता था, बट पारस बहुत ही अच्छा इंसान है, जितना मैं उसको मिला हूँ और जितना मैं उसको जानता हूँ, रेस्ट मुझे इतना मालूम नहीं है, ऐसा है। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे एक पूछूंगी चीज के, फैंस क्या है ना, ट्रोल करते हैं एक दूसरे से, बहुत सारे टैग्स हैं, सिद्धनाथ ट्रैग है, देन अपना पारस माहिरा है, हिमांशी आसिम, ये सब, तो उनसे कुछ आप बोलना चाहेंगे? मैं पहले ना, सबसे पहले तो ना फैंस को मैं अपनी फैमिली समझता हूँ, सबसे पहले मैं उनको ये बोलना चाहूंगा, जब तक आपको ये कंफर्मेशन नहीं होती है ना चीजें कि ये उसका हैशटैग है, ये सिडनास का हैशटैग है, ये मायरा का है, या ये हिमांशी का, जब तक आपको ये चीजें क्योंकि कर, अभी ना, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, अभी 2 दिन पहले ना एक कार्ड भी बहुत वायरल हुआ था जिसमें पारस और माहिरा की शादी का कार्ड था, बिल्कुल पारस बिल्कुल वेड्स माहिरा। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो भी इस तरह की भी बहुत सारी चीजें आती हैं तो सोशल मीडिया पर। मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये फैंस लोग एक फेक आईडी बनाते हैं, उधर से ये ना लीकआउट कर देते हैं, मीडिया वाले उसको उठा लेते हैं, कई बार वो भी सच समझते हैं। मैं उनको यही बोलना चाहूंगा, जब तक आपको 100% कंफर्मेशन नहीं है, जब तक दोनों की सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ हुआ नहीं है या उन्होंने पोस्ट नहीं किया है ऐसा, तब तक आप वो चीजें मत कीजिए। कई बार क्या होता है, वो चीजें उनको अच्छी लगती है, बट वो कई बार बाद में गलत वे में ट्रोल हो जाती है,
तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपने फेक अकाउंट भी मत बनाइए और ना ही आप किसी के साथ किसी को टैग करिए, ताकि कल को क्या पता यार उनको मुसीबत आ जाए, वो क्या पता उनकी दोस्ती भी खराब हो जाए जो अच्छी भली चल रही है। तो मैं बस उनको ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप ऐसी चीजें मत कीजिए और जिससे कि सारों को प्रॉब्लम हो, बस आप अपना बिंदास रहिए, इंजॉय करिए, आपको जैसे कमेंट करने आप करिए, मैं उसका रिप्लाई भी आपको देता हूँ, मेरे जितने भी फैंस हैं मैं उनको कमेंट करता हूँ, आप सोचिए कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, बस इसके अंदर ध्यान लगाइए, बाकी काम छोड़ दीजिए। अच्छा तो आप ये खुलासा कब करने वाले हैं ये और बता दीजिए लास्ट में, कल परसों कब करने वाले हैं? आप ऐसे करना ना, आप जब ये हमारा लाइव कट होगा उसके बाद आपको पोस्ट देखना। अच्छा मैं उस पोस्ट पर ही कमेंट करती हूँ फिर, चलिए। आप ऐसे करना, आपका मैं कमेंट की वेट कर रहा हूँ, आप कमेंट करना, फिर जब वो खुलासा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको सबसे पहले पिंक करूंगा, ठीक है? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। थैंक यू एंड प्लीज टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर, और आपके वीडियो एल्बम्स का, आपकी मूवी का जरूर वेट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। तो गाइज हमारे साथ थे मयूर, और आपने देखा हमने कितनी सारी बातचीत की उनसे। आपको कैसे लगे, आपको मयूर के साथ बातचीत करने में? मयूर से हमने ये भी जाना कि वो अभी लॉकडाउन के बाद क्या करने वाले हैं, क्या क्या कौन सी मूवीज आ रही है उनकी, कौन सी वीडियो एल्बम्स आ रही हैं, और उनका क्या एक्सपीरियंस था मुझसे शादी करोगे जो अभी शो था उसमें क्या क्या सारी चीजें हुई, और आपके कुछ क्वेश्चन के हमने आंसर्स भी दिए। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग इंस्टा लाइव है, और बिग अपना बॉलीवुड कलर की जो टीम है वो 9 बजे फिर आपके साथ लाइव आएगी दिलजीत कौर के साथ, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ 9 बजे लाइव के लिए। और दिलजीत कौर से आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं रेडी रखिएगा, मैं आपके साथ फिर इसी इंस्टा लाइव पर आऊंगी रात को 9 बजे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और हाँ घर पर ही रहिएगा, बी सेफ।